आज टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी में हम द एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें ये लेफ्ट कॉलम है, राइट कॉलम है फर्स्ट टास्क में। आपको बस क्या करना है कि यहां पर ये आधा सेंटेंस यहां लिखा है, आधा सेंटेंस यहां पे लिखा है, तो इसको थोड़ा ठहर के पढ़ लीजिए सबको, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहां पर है, ताकि आप बिठा सकेंगे एक दूसरे को। शुरुआत करते हैं पहले से। सम मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स हैव बीन हेविली क्रिटिसाइज, तो इसमें आप इसको जोड़ सकते हैं इस एफ से, यहां पर एफ है, विद बैटरी पावर फार्मिंग इन पर्टिकुलर रिसीविंग अ लॉट ऑफ कंडमनेशन। ये अपोजिट है एनिमल का, जिसमें विच हैज बीन रेज्ड ऑन अ बैटरी फार्म इन अ फ्री रेंज एनिमल, जैसे फ्री रेंज चिकन हो गया या एग, एग्स को भी फ्री रेंज के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई ओनली ईट फ्री रेंज एग्स, तो इसीलिए क्रिटिसाइज हो रहा है। सेकेंड, इफ यू वियर अ फर कोट इन पब्लिक, अगर आप फर का कोट पहनते हैं तो ये एल मैच कराइए इसे, यू रिस्क कमिंग अंडर अटैक फ्रॉम एनिमल राइट एक्टिविस्ट, क्योंकि फर जो है वो कई कंपनियों में, कई कंट्रीज में सॉरी बैंड है, और एनिमल को, जानवरों को मार के ही ये बनाया जाता है। थर्ड, इट इज इलीगल टू किल पांडास, टाइगर, थर्ड की अगर हम बात करें तो हम इसको मैच करा सकते हैं जे से, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो जे से मैच करा लीजिए इसको। और एनी अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज, अगर हम अब फोर्थ की बात करें, इफ यू डोंट डू मोर टू प्रोटेक्ट पांडास, हम फोर्थ में आराम से अगर आप इन सबको पढ़े तो ई से मैच करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो दे विल सून बी एक्सटिंक्ट, मतलब बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएंगे। पांचवा, अ लॉट ऑफ ब्रिटिश पीपल आर इंटरेस्टेड इन अनयूजुअल एलिमेंट्स, ऐसे एनिमल्स जो अनयूजुअल है, जो जैसे गाय, बकरी, मुर्गियां, ये तो अमूमन पाई जाती हैं, ऐसा क्या जो अनयूजुअल हो। तो फिफ्थ को अगर आप मैच कराना चाहते हैं तो यहां बी से करा दीजिए, बी आपका। एंड रेयर ब्रीड्स पार्क्स आर वेरी पॉपुलर विद मैनी, अगर हम छठी छह की बात करें, सिक्स्थ की, तो नेशनल पार्क्स इन केनिया आर करंटली रिक्रूटिंग एक्सपर्ट्स इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ये सी से मैच हो जाएगा। फिर इन एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व फॉरेस्ट अराउंड द कंट्री, सेवन की बात अगर करें, डी से मैच करा सकते हैं, द गवर्नमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। अब एट से मैच कराएंगे, वी वुड लाइक टू कैरी आउट मोर साइंटिफिक स्टडी इन टू रेन फॉरेस्ट, करना तो चाहते हैं लेकिन फंडिंग नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम आराम से केस से मैच करा सकते हैं इसको। बट इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू गेट पीपल टू फंड द रिसर्च, यहां पर आएगा आई डोंट लाइक जूज बिकॉज आई थिंक, क्यों हम, मैं नहीं पसंद करता हूं या करती हूं कि जू को, उसका कारण यह है कि आई को अगर देखें, कीपिंग एनिमल इन कैप्टिविटी इज क्रूअल, जो जानवर है उनकी उनकी जगह बाहर है, वो एक्चुअल फ्लोरा एंड फौना में, इकोसिस्टम में या जंगल में रहना उनको चाहिए जिसके लिए बने हैं, अगर उनको कैप्टिविटी में या बंद करके रख ले, हाँ आप डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, जैसे आप कुत्ते को कर लेते हैं, डॉग्स को कर लेते हैं, बिल्लियों को कर लेते हैं। अब टेंथ में आ गया, आई सॉ फैसिनेटिंग डॉक्यूमेंट्री अबाउट द वे एनिमल्स लिव इन वेनेजुएला एंड थॉट, टेंथ से मैच कराइए आप जी को, ये वाले को, इट वॉज फैसिनेटिंग टू ऑब्जर्व देयर नेचुरल बिहेवियर। इलेवंथ में चाइनीज गवर्नमेंट, इलेवंथ में अगर आप देखें, चाइनीज गवर्नमेंट हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, चाइनीज गवर्नमेंट किस लिए पैसा खर्च कर रही है, पांडा के के सेविंग के लिए। तो 11 को अगर आप मैच कराएंगे तो आप मैच करा सकते हैं 11 को एच से, अनसक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये एच से मैच करा सकते हैं। अब एक ही बचा है जिसे हम पोकिंग की बात करेंगे, इसमें एच, हंटर्स हैव किल्ड सो मेनी एनिमल्स that in many countries poaching is considered more serious than drug smuggling, hunting hota hai, hunting mane ki aap permission se karte hain, aur poaching hota hai illegally karte hain,
जैसे कई जगह बहुत सारी गाय हो गई, या बहुत सारे कोई भी जंगली गाय हो गई, वो आपके किसानों के जो जो मेहनत है उसे पानी फेर रही है, उनके उनकी खेती को खराब कर रही है। तो वहां पर जनरली हंटिंग की परमिशन दी जाती है कि जंगली गायों को आप मार सकते हैं। रिप्लेस द फ्रेज इन बोल्ड इन दी सेंटेंसेस विथ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स। यानी अब हमारे पास क्या है कि ये जो कुछ सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस में हमारे पास कुछ जो आगे बोल्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बोल्ड किसी ना किसी यहाँ पर इन बॉक्स के वर्ड्स को इंगित करता है, मैच करता है, उसको उसको वो वर्ड उसका समरी है। जो यहाँ बॉक्स में वर्ड देख रहे हैं ना, वो इसकी समरी है। तो आपको क्या करना है, इसको मैच कराना है। तो ये एक्स्ट्रा ही वर्ड्स है, तो शुरुआत करते हैं पहले वाले से। यह है, इन ब्रिटेन बिल्डिंग इज रिस्ट्रिक्टेड और कंप्लीटली बैन इन द एरिया ऑफ फार्मिंग लैंड्स और वुड्स एंड पार्क्स विद इन विच सराउंड अ टाउन। इसको हम कहते हैं ग्रीन बेल्ट। ये ग्रीन बेल्ट आएगा तो ऊपर से देख लीजिए, ग्रीन बेल्ट हमने लिया। फिर सेकंड आ गया, मेनी कंपनीज आर डेवलपिंग बॉक्सेस कार्टन्स एंड कैंस विच कैन इजीली बी डिकम्पोज बाय ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया सनलाइट सी एंड वाटर। इन इन चीजों को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। ऐसी पैकेजिंग करना चाहते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब बायो जो जिनकी बात अभी हुई वो सब बायो में आते हैं, और वो इस इन बॉक्सेस कार्टन और कैन को डिग्रेड कर सके, इनको फिर से मिट्टी बना सके, या फिर जो भी एलिमेंट्स इसमें डाले गए हैं। थर्ड, द बर्निंग ऑफ सम फ्यूज क्रिएट्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर गैसेस विच राइज इन टू द एटमोसफियर। तो अगर आप ऊपर से देखें, जो सबसे अच्छा मैच कर रहा है थर्ड वाले में, वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस है जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है। फार्मर्स हैव cleared hectares of thick wooded land in tropical regions where the precipitation is very high. जो किसान है उन्होंने एक किसी एरिया के जंगल को खत्म किया है। अब फोर्थ में अगर हम यूज करें तो रेन फॉरेस्ट कहते हैं इनको, जहां पर रेन फॉरेस्ट का मतलब ये है precipitation, यानी precipitation मतलब पानी का content हवा में। और फिफ्थ, planting trees provide some protection from the gradual wearing away of soil. इसके लिए हम ऊपर से erosion लेंगे, erosion सबसे best है। Sixth है, we should all try to process waste material so that it can be used again. तो ये जो line है उसका मतलब होता है recycle. Seventh आएगा, these potatoes are cultivated naturally without using any chemical fertilizers or pesticides. इस तरीके की खेती जिसमें कोई भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज ना किया गया, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ऑर्गेनिक। एट, दिस ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट विच हैज बीन ऑल्टर्ड एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ऑल्टरिंग हो रही है, सो दैट सो एज टू चेंज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी इनहेरिटेड। तो ऊपर से अगर हम देखें तो हम को सबसे जो शब्द मिल रहा है वो है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड, GM। Ninth है, the process of removing the trees from an area of land is destroying millions of acres of woodland every year. इसे हम कहते हैं deforestation। कि पेड़ों को हटाने की प्रक्रिया है, पेड़ों को अंधाधुंध काटने की जो प्रक्रिया है उसे हम deforestation कहते हैं। Polluted precipitation which kills tree, इसे हम acid rain की संज्ञा देते हैं, acid rain falls A long distance away from source of the pollution। जैसे आपने सुना होगा किस तरीके से मथुरा रिफाइनरी ने ताजमहल को इफेक्ट किया, वही इसी की बात हो रही है। ग्यारहवा, ह्यूमन बींग हैव हैड अ डिवेस्टेटिंग इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स बोथ लार्ज एंड स्मॉल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम इकोसिस्टम कहेंगे, सबको मिला के इकोसिस्टम बनता है। गैसेज एंड द अदर सब्सटेंसेज विच कम फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑफ using factories using oil, coal and other fuels which are the remains of plants and animals can cause serious damage of the environment. तो 12 में अगर हम देखें तो इसमें सबसे अच्छा जो रहेगा वो है emissions of fossil fuels, दोनों ही add कर सकते हैं। 13, don't drink that water,
इट्स बीन मेड डर्टी बाय समथिंग बीइंग एडेड टू इट. तो इसमें आप पोल्यूटेड भी लिख सकते हैं और कंटामिनेटेड भी कर सकते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं. तो 14th है फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ ग्रीन पीस एंड अदर कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट आर होल्डिंग अ फोरम इन लंदन नेक्स्ट मंथ. तो 14th के लिए सबसे अच्छा जो हो जाएगा वो आपका रहेगा एनवायरमेंटलिस्ट. 15th में है द हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय पोल्यूशन इज थ्रेटनिंग लाइफ एज वी नो इट. इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. जो मैं आपको बता रहा था कि अगर 2 डिग्री के ऊपर चला गया तो यहाँ पर रहना सारे के सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगेंगे और जो आपके टापू हैं या फिर आइलैंड्स हैं, जो हम तो वैसे बड़े बड़े आइलैंड्स ही हैं एक तरीके से, सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो आइलैंड्स ही तो है. तो वो हम देखेंगे अगर कि ये पानी अगर बढ़ा तो ये सारे टापू डूब जाएंगे. अब हमने जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में वर्ड्स देख लिए उससे हमको यहाँ भरना है. ये जो एक ऐसे है, ये ऐसे किस पर है देखिएगा. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज मेजर वर्ल्ड प्रॉब्लम. सब वर्ल्ड प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. व्हाट कॉज दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट इट. तो इसका कारण क्या है और किस तरीके से हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं. तो हम लिखेंगे देयर इज नो डाउट दैट द एनवायरमेंट इज इन ट्रबल. फैक्ट्रीज बर्न फॉसिल फ्यूल्स विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं ये फॉसिल फ्यूल होगा तो एसिड रेन बनेगी. एंड दिस किल्स ट्रीज एट द सेम टाइम डैश गिव राइस. ये क्या होगा इसमें ग्रीन हाउस गैसेस है ना, तो ग्रीन हाउस गैसेस आएगा. राइज इनटू द एयर एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग विच थ्रेटन्स टू मेल्ट द पोलर आइस कैप. मीनवाइल फार्मर्स क्लियर ह्यूज एरियाज ऑफ, फिफ्थ में आप रेन फॉरेस्ट लिखेंगे, रेन फॉरेस्ट इन प्लेसेस सच एज अमेज़न टू प्रोड्यूस फीडिंग लैंड फॉर कैटल एंड वुड फॉर बिल्डिंग. रिवर्स एंड ओशंस आर सो हैविली डैश्ड बाय इंडस्ट्रियल वेव्स, कंटामिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल वेव्स दैट इट इज नो लॉन्गर सेफ टू गो स्विमिंग. कार्स पंप आउट पॉइजनस, यहां पर क्या लिखेंगे गैसेस या एमिशंस, गैसेस या एमिशंस विच वी ऑल ब्रीथ इन डैश एंड ओवर फिशिंग. यहां पर हम ओवर फिशिंग मतलब कुछ नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, यहां हम लिखेंगे पोकिंग यानी कि लीगली मारना जानवरों को. पोकिंग कई लोग पोचिंग भी बोलते हैं लेकिन पोकिंग इज अ गुड इज द राइट प्रोनाउंसिएशन. और ओवर फिशिंग आर किलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग वेल्स एलिफेंट्स एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज. इनफैक्ट All of us, all living things, large and small, which comprise, are finally balanced. अब 10th में जब ये balance की बात आ गई तो हम इसको सीधा ecosystem लिख सकते हैं. Ecosystem. अब there is a lot we can all do, however, to help prevent this. Resist thing, of course, is to dash waste material, recycle waste material such as paper and glass. So that we can use it again, we should also check that things we buy from supermarkets are packaged in biodegradable packaging. It decomposes easily. At the same time, we should make conscious effort to avoid food which are genetically modified until someone proves that they are safe both for us and the environment. So if you are truly committed to protecting the environment, of course, you should only buy dash fruit. What we can write here, 14, the best one would be organic again. Organic fruit and vegetable safe in the knowledge that they have been naturally cultivated. Finally, of course, we should buy a small car as this causes less emissions. Less emissions sahi rahega isme ya pollution aap kar sakte hain, pollution theek rahega. The large silence or SUVs. Each even better, we should try to make more use of public transport. So the serious dash, however, do much more environmentalist.
they are aware of the global issue involved and will actively involve themselves in conservational programs by making sure our forests are kept safe for future generations. So they will oppose activities which are harmful to animals, such as kya kya ho sakti hai? Battery farming. B. Battery farming, and they will campaign to keep the dash again green belts around our towns and cities free from nuisances. So we cannot all be as committed as them, but we can at least do our own little bit at cross level roots, and as humans have inherited the earth, but that doesn't mean we can do whatever we like with it. So this was about this. हमने देखा कि कैसे environmental के शब्द हमने use किए, and this was the completion of environment. Hopefully आपको फायदा हुआ होगा. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे.